महाराष्ट्र में सरकारी बिजली कंपनी की लूट को रोकना आदि बिजली से जुड़े ऐसी कई मांगों को लेकर आम आदमी पार्टी की संयोजिका कविता सिंघल इनके नेतृत्व में विधायक विकास ठाकरे इन्हें ज्ञापन दिया गया। इस मौके पर पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे। महाराष्ट्र में सरकारी बिजली कंपनी की लूट को रोकना, अन्य राज्यों में आपकी घोषणा के तहत राज्य में 200 यूनिट बिजली मुफ्त देना तथा कोविड के चार महीने बिजली बिल को माफ करना और बिजली बिल के टैरिफ में वृद्धि के वापस लेने आदि बिजली से जुड़ी तमाम मांगों को लेकर आम आदमी पार्टी की संयोजिका कविता सिंघल इन्होंने कांग्रेस के विधायक विकास ठाकरे को ज्ञापन दिया तथा शहर के नागरिकों को बिजली समस्या से अवगत कराया। इस मौके पर कविता सिंघल इन्होंने बीसीएन समक्ष जानकारी दी। हाँ देखिए, ये है आज पूरे महाराष्ट्र में आम आदमी पार्टी पूरे महाराष्ट्र में हमारे जो संयोजक हैं महाराष्ट्र के रंगा रायचूरे जी, उन्होंने राहुल गांधी जी को और हम सभी ने सब डिस्ट्रिक्ट और ग्रामीण लोगों ने उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को राहुल गांधी जी को और उनके थ्रू हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जब उन्होंने केरल में चुनाव कराए थे या फिर असम में कराए थे या फिर दिल्ली में कराए थे तो असम में उन्होंने 200 यूनिट का वादा किया था, केरल में 100 यूनिट मुफ्त का वादा किया था और दिल्ली में 300 यूनिट बिजली मुफ्त का वादा किया था। और क्योंकि महाराष्ट्र में तो इनकी अपनी सरकार है तो क्यों नहीं महाराष्ट्र में ये सब कर रहे हैं जब वो खुद शासित कर रहे हैं। और इससे अलग जो बिजली विभाग है वो कांग्रेस के पास है तो क्यों नहीं वो कुछ करते हैं, ये हम लोगों ने इनसे रिक्वेस्ट की है। और हम बराबर 1.5 साल से जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है 3 जून 17 जून 27 जुलाई और फिर पिछले साल हम लोगों ने क्रांति आज ही के दिन क्रांति दिवस पे 9 अगस्त को नितिन राउत जी को ज्ञापन दिया था जिसमें उन लोगों ने आम आदमी की हम लोगों को सबको जेल में बंद कर दिया था जनता के हक में आवाज उठाने के लिए। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सत्ता है, इतना ही नहीं तो विशेष रूप से राज्य का बिजली विभाग है, फिर भी बिजली की समस्या जो की तो है। कई नागरिकों की बिजली की कनेक्शन दादागिरी करते हुए महावितरण ने काटी है, इससे नागरिकों में रोष व्याप्त है। इस मौके पर विधायक विकास ठाकरे इन्होंने बीसीएन समक्ष जानकारी दी है। विधायक विकास ठाकरे जी इस समय हमारे साथ में, आइए उनसे जानना चाहते कि आखिरकार आम आदमी पार्टी द्वारा जो उन्हें ज्ञापन दिया गया है कौन सी मांगों को लेकर उन्हें ज्ञापन दिया गया है। विकास जी ये बताए कि जिस प्रकार से ये जो ज्ञापन दिया गया है इसमें प्रमुखता से क्या मांगे रखी गई है? मुझे लगता है कि उनकी मांग है कि बिजली के दाम कम करना चाहिए और इस विषय में उन्होंने हमारे ऊर्जा मंत्री साहब से भी बात की है और मुझे भी वाकई ध्यान नहीं उनकी जो मांग है, मैं वो राज्य शासन तक मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री ऊर्जा मंत्री इनके साथ पहुंचाने की कोशिश करूंगा और उनको न्याय कैसे मिलता है और वैसे ही नागपुर शहर की सामान्य जनता को इस बारे में कैसे न्याय मिलेगा इस विषय में मैं सरकार से बात करूंगा। और सर दूसरा सवाल ये भी था कि आए दिन लॉकडाउन के चलते लोगों के कामकाज एक और बंद है मगर जो बिजली का बिल जो बढ़कर जो आ रहा है उसके लिए कोई भी कंपनी मानने से इनकार कर रही है, ऐसे में लोगों का जो एक एक्सप्लॉयटेशन जो हो रहा है क्या कहना चाहते हैं जनता को मतदाताओं को कितनी राहत मिलेगी इससे? मुझे लगता है कि जो बिजली का बिल है वो 1-2-3 माह से नहीं भरा है, वो ज़्यादा आता है, उसमें इंस्टॉलमेंट गिराने की गवर्नमेंट ने स्कीम बनाई है और हमने तो हमारे कॉन्स्टेंसी में बता के रखा है कि भैया जनता को तकलीफ ना दे, उनका डिसकनेक्शन ना करे, उनसे इंस्टॉलमेंट से पैसे लिया जाए, जोर जबरदस्ती आम जनता से की हुई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, यह हमने शासन को और महावितरण को बता दिया है। और मुझे लगता है कि ऊर्जा मंत्री नागपुर के होने के वजह से इसका पालन होगा ऐसी हमें आशा है और इस शहर की गोर गरीब जो जनता है जो बिल नहीं भर सक रही है उन्हें इंस्टॉलमेंट देके राहत देके उनसे पैसे लेने का कार्य करने के लिए हम जल्द ही ऊर्जा मंत्री से और महावितरण के अधिकारियों से बात करने वाले। सर ऐसे भी जो बिजली का जो कनेक्शन काटा जाता है वो कितना उचित है ऐसा आपको लगता है? नहीं, बिजली का कनेक्शन काटना यह उचित नहीं है। मुझे लगता है कि जिस आदमी के ऊपर थोड़ा बहुत बिल 5-25-50 हज़ार तक है उसे 2-3 नोटिस देना चाहिए और 3-4 बार नोटिस देने के बाद नहीं देता है तो फिर बाद मगर सरेआम आके अगर कोई बिजली का कनेक्शन काटेगा तो मैं तो मेरे मतदार संघ में बर्दाश्त नहीं करूंगा और सरकार से इसके बारे में आवाज़ उठाऊंगा। तो आप थे विधायक विकास ठाकरे जिन्होंने बखूबी विभाग के साथ बात करते हुए ये कहा कि अगर बिजली के बिल काटे जाते हैं तो उन अधिकारियों की खैर नहीं क्योंकि
लोगों के ऊपर में जो एक बोझ जो गिर रहा है, लोग जिस बोझ तले दबे जा रहे हैं, वो इलेक्ट्रिक का बिल है, उसे कहीं ना कहीं सहूलियत दिया जाना चाहिए, ऐसा इनका मानना था। और आम आदमी पार्टी द्वारा जिस प्रकार से जो ज्ञापन दिया गया उसके अंदर बिजली बिल को लेकर तमाम मुद्दे वहाँ पर मैंशन किए गए थे। इसके ऊपर में विधायक विकास ठाकरे अगली बार क्या कामकाज करते हैं और किस प्रकार से अधिकारियों को खड़े हाथ लेते हैं, आड़े हाथों लेते हैं और लोगों को किस प्रकार से न्याय देते हैं, ये देखना अभी बाकी है। कैमरा पर्सन माइकल के साथ संजय मीरे, बीसीएन न्यूज़ नागपुर।